hello students welcome back in your english class today we are going to discuss a very important grammar chapter that is tense and in this chapter we will discuss about present past and future tense so let's get start first we have to see that what is a tense tense is an important grammatical tool to denote the time of action इट मीन्स जो टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टूल है जो हमें एक्शन का टाइम बताता है कि एक्शन कौन से समय पर हुआ है नाउ द थ्री मेन टेंस फॉर्म्स आर द प्रेजेंट टेंस द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस इट मीन्स वर्तमान काल जो प्रेजेंट समय को डिनोट करेगा पास्ट टेंस जो बीत चुका है भूतकाल द फ्यूचर टेंस इट मीन्स जो आने वाला टाइम है भविष्यकाल नाउ ईच टेंस हैज़ फोर सब टाइप्स हर एक टेंस की फोर सब टाइप्स होते हैं इन प्रेजेंट टेंस सिम्पल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस सेम एज दिस पास्ट टेंस सिंपल पास टेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस past perfect tense and past perfect continuous tense just like this future tense also have four types simple future tense future continuous tense future perfect tense and future perfect continuous tense in this video we will discuss about simple present a present indefinite tense in present indefinite tense

इसके अंदर उस वर्क को शो किया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है मींस रोजाना जो होता है डेली देल, रूटीन में जो होता है दैट इज टेल इन इंडेफिनेट टेंस उसे सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में बताया जाता है नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब we join s or es then object and full stop now where we have to use s or es with verb let's see first we have to know that there are three types of person first person second person and third person when there in first person we include in singular i and plural we Second person, we use you and in plural, also we use you. Third person, the boy, he, she, it, Raj, Madhu. If there is given any name, then that is third person. In plural, third person, they and the boys. If the subject of the sentence, we can say. आई एम टेलिंग यू दैट वेयर वी हैव टू यूज एस और ई एस विद वर्ब कहाँ हमें एस और ई एस यूज करना है वर्ब के साथ वैन थर्ड पर्सन सिंगुलर जस्ट लिसन प्रॉपरली इन थर्डन थर्ड पर्सन सिंगुलर द बॉय ही शी एट राज एंड मधु दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर इफ दीज वर्ड्स आर यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाउ हेयर इज अट इन सिंपल प्रेजेंटेंस द वर्ब चेंज ओनली इन थर्ड परसन सिंगुलर वेयर इट गेट्स द सफिक्स एस और ई एस एज आई टोल्ड यू ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारी जो वर्ब है वो चेंज होगी और उसमें सफिक्स एस और ई एस एड किए जाएंगे द ई एस सफिक्स इज यूज वेन द वर्ब एंड इन द लेटर्स डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड हमारी जो वर्ब होगी उसमें ई एस कब लगेगा जब हमारा जो वर्ब है उसका लास्ट लेटर डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड होगा देन वी एड ई एस विद द वर्ब नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स रोहन प्लेज टेनिस We can see Rohan is the name of the boy, so this is third person. And we can see that Rohan is singular, so this is third person singular. So we add S with the verb plays tennis. As we can see, in play, last letter is Y, so we will add only S, not ES. Now they play tennis. हेयर अगेन दे इज़ थर्ड पर्सन बट दिस इज इन प्लेल सो इन प्लेरल वी वी विल नॉट एड एस विद वर्ब दे प्ले टेनिस इट मीन्स जब सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस एड करेंगे अगर प्लेरल सब्जेक्ट है हमारा तब हम उसमें एस और ई एस एड नहीं करेंगे आई राइट बुक आई इज सिंगुलर बट इट इज़ फस्ट पर्सन एंड एज आई टोल्ड यू ओनली विदर्ड पर्सन सिंगुलर केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही हम ऐस और यस एड करेंगे सैम कैचिस बटरफ्लाइज हियर वी कैन सी कैच द लास्ट लेटर इज सी एच सो वी एड हेयर ई एस सैम कैचिज बटरफ्लाइज दिस इज दीज आर द सिंपल प्रेजेंटेंस positive sentence we can say affirmative sentence some more examples dog barks here dog is singular so we put s with verb dogs bark here the subject is plural so we put only bark not barks i live in gujarat he reads daily now when they when we have to make negative sentence in simple present tense how we will make the formula is subject do does as a helping verb we will use do and does after that we put not then first form of verb object and full stop in present indefinite negative sentence do not does not is used ya to do not use kiya jayega ya does not use kiya jayega before first form of the verb वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज कम्स ओनली वेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर अभी जो हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम वर्ग के साथ एस और ई e एस लगाते हैं सिर्फ उसी इसी उसी कंडीशन में सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा हम हेल्पिंग वर्क डज यूज़ करेंगे अदरवाइज इन ऑल केसेज डू इज़ यूज रिमेन्स सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करेंगे Only third person singular, he, she, it, or any name is given, then we use does. Remain all subjects, we use do. When does is used in present indefinite tense, then s yes or es is not added with the verb. एंड वेन वी एड ई एस और एस विद डू जब डू के साथ में हमने ई एस एड कर दिया तो हम वर्ब से एस और ई एस को हटा देंगे इट मीन्स हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है उसके साथ एस और ई एस एड नहीं करना है ना लेट्स एग्जाम्पल्स आई डू नॉट एज आई टोल्ड यू आई इज़ फर्स्ट पर्सन सो वी एड डू आई डू नॉट प्ले विद बॉल चिल्ड्रन Do not make a noise. I do not shirk. Means kaam se ji churana. Work. Lion does not eat grass. Lion does not eat grass. Here, lion is third person singular. So, we put here does not. Rajni. Rajni is also third person singular. So, we put here does not. Rajni does not go to office on Saturday. ट नीड माई हेल्प नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रजेंट टेंस वेन वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट मीन्स जो डू दो और डज हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है उसे हम सेंटेंस की शुरुआत में रख देंगे डू एंड डज डू और डज मीन्स डू और डज में से किसी एक को यूज करेंगे हम इफ देयर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज डज अदर सब्जेक्ट्स वी यूज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड वी पुट अ क्वेश्चन मार्क इन दी सेंटेंस बिकॉज दीज आर इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्वेश्चन सो वी पुट क्वेश्चन मार्क प्रजेंट इन डेफिनेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद डू एंड डज जो प्रेजेंट इन डेफिनेट की इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो डू और डे से स्टार्ट होंगी क्वेश्चन मार्क इज अफिक्सड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना है लेट्स ई सेम एग्जाम्पल डू आई प्ले विद बॉल एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज

समथिंग दैट हैपन्स ऑलवेज रेगुलरली ऑफन समटाइम्स और नेवर ये कुछ एडवर्ब adverb, एडवर्ब्स होती है अगर ये सेंटेंस में दी गई हैं इट मीन्स दीज आर दैट सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंटेंस एंड डियर स्टूडेंट्स इफ देयर इज गिवन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड एसोरयस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड एसोरियस इट मीन्स दट सेंटेंस इज़ इन सिंपल प्रेजेंटेंस बहुत ही ईजी है आपको ओनली इतना सा रिमाइंड रखना है इतना सा रिमेंबर रखना है कि हमें सेंटेंस को देखना है और देखना है कि उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस गीवन है या नहीं है इफ़ देर इज़ अनादर वर्ड इट मीन्स दैट इज इन दैट इज़ नॉट इन सिंपल प्रजेंटेंस इफ़ देअर इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस इज़ गिवन, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो सेंटेंस गिवन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस दिया गया है या नहीं अगर है इट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो यूजुअल एक्शंस होते हैं जो हम डेली हैबिट में यूज़ करते हैं रेगुलर इंटरवेल्स पर हम उन्हें यूज करते हैं या जिस वर्क को हम करते हैं जिस एक्शन को हम करते हैं दैट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग करते हैं आप रेगुलर है ये वी नेवर क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग बॉथ वेज हेयर नेवर इज़ यूज सो दिस इज इन सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस इज यूज टू स्टेट फैक्ट्स जो फैक्ट होते हैं तथ्य होते हैं और से समथिंग यू नो अबाउट अ पर्सन और थिंग और जो आप किसी पर्सन के बारे में जानते हैं अगर आप डेफिनेटली जानते हैं कि ये पर्सन किसी पर्सन या थिंग के बारे में तब भी हम क्या यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस लेट्स एग्जाम्पल रितु इज़ अ डॉक्टर रितु इज़ अ प पर्सन एंड वी नो मैं जानती हूँ कि वो एक डॉक्टर है सो आई कैन से रितु इज़ अ डॉक्टर द अर्थ गोज राउंड द सन दिस इज़ द फैक्ट फैक्ट है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो सन की चारों तरफ घूमती है सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज सिंपल प्रेजेंटेंस नेक्स्ट यूज ऑफ प्रजेंटेंस वी यूज द सिंपल प्रजेंटेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन स्केडूल्ड फॉर द फ्यूचर सेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड बॉथ आर सिमिलर इसका जो प्रेनन्शिएशन है दोनों ही हो सकता है जो फ्यूचर के लिए आपने प्लान बनाए हैं अगर वो फिक्स हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन डिपार्ट्स इन टेन मिनट्स ये ऑलरेडी डिसाइडेड है फ्यूचर एक्शन है बट पहले से डिसाइडेड है देन वी यूज डिपार्ट सिंपल प्रजेंटेंस ग्रैंड फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर हम सब जानते हैं कि जो ये प्लान्स होते हैं रिटायरमेंट वाले ये पहले से ही फिक्स हो जाते हैं फॉर दैट टाइप ऑफ एक्शन वी यूज सिंपल टेंस नेक्स्ट यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस रिपोर्टिंग वेरी रिसेंट इवेंट्स ऑफन यूज द सिंपल प्रेजेंट जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं जो कि बहुत ही रिसेंटली uh, जो हैपन हुआ है रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताते हैं तब भी उसमें सिंपल टेंस का यूज किया जाता है लाइक इंडिया टीम विन्स द वर्ल्ड कप अमिताभ फ्लाइज टू अमेरिका ये रिसेंट इवेंट्स है इसलिए यहां पर सिंपल टेंस यूज किया गया है नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल टेंस स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न यूज़ द सिंपल प्रेजेंटेंस जो कॉमेंट्री करते हैं कॉमेंटेटर्स मैच के दौरान रेडियो पर या टेलीविज़न पर वो भी सिंपल प्रजेंट टेंस का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल लवी पासिस दॉल टू किरण लाइक दिस आई होप यू हैव अंडरस्टैंड यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोट बुक एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली थैंक यू एंड हैवे नाइस डे